शुरुआत करेंगे बिहार से आ रही खबर से। बिहार से बंगाल तक बाढ़ बारिश का कहर है और यूपी के भी कई जिलों में बाढ़ का इस वक्त कहर है। सोनभद्र के रिहंद डैम के गेट खुले, रिहंद डैम के 9 गेट खोले गए हैं। तो रिहंद डैम के गेट खोले गए ओवरफ्लो होने की वजह से, और इस वक्त देखिए बिहार से लेकर बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी जगह बाढ़ और बारिश का कहर नजर आ रहा है और इसकी वजह से कई जिले प्रभावित हैं, कई जिले इस वक्त डूबे हुए हैं। सोनभद्र की ये तस्वीरें हैं जहां रिहंद डैम को खोल दिया गया है ओवरफ्लो होने की वजह से। 9 गेट खोले गए हैं रिहंद डैम के। और बाढ़ बारिश ने देश के कई राज्यों में हाहाकार मचाया हुआ है। पश्चिम बंगाल के कई जिलों में हालात बेहद खराब है। मेदिनीपुर में बांध का पानी ओवरफ्लो होकर बह रहा है जिसकी वजह से कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। हावड़ा में भी बाढ़ ने तबाही मचाई है। यूपी के सोनभद्र में पानी के बढ़ते जलस्तर के चलते रिहंद बांध के 9 फाटक खोलने पड़े हैं। ग्वालियर में पुलिस की सूझबूझ की वजह से 2 लोगों की जान बच गई, ये दोनों पानी के बीच फंसे हुए थे। बिहार में राजधानी पटना समेत कई जिले बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ के बीच हादसों का दौर भी जारी है। सारण जिले में एक नाव पलटने के चलते कई लोग लापता हैं। और देखिए बांध में कैसे पानी ओवरफ्लो हो रहा है। लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध का पानी भी ओवरफ्लो हो रहा है जिसकी वजह से कई इलाकों पर इसका बुरा असर पड़ा है। बाढ़ के हालात है, कई जिलों में ये जल तांडव देखने को मिल रहा है। यूपी के सोनभद्र की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां नदी नाले भी उफान पर हैं, तो वही बांध में जो पानी है वो भी ओवरफ्लो होता जा रहा है और यही पानी कई गांवों तक भी पहुंच रहा है, कई इलाकों तक भी पहुंच रहा है जिसकी वजह से बाढ़ के हालातों का सामना लोग कर रहे हैं। पर बात मध्य प्रदेश के ग्वालियर की, जहां पुलिस की सूझबूझ से 2 लोगों की जान बच गई। ये दोनों लोग सैलाब में फंसे थे जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया था। वीडियो ग्वालियर के दिघरा इलाके का है जहां पुलिस ने पानी में फंसे जीजा साले को सुरक्षित बाहर निकाला। ये दोनों पितरों का तर्पण करने पहुंचे थे, इसी दौरान सैलाब की चपेट में आ गए। दिघरा डैम का जलस्तर इन दिनों खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है जिसके चलते पुलिस डैम के आसपास के इलाके में लगातार सर्चिंग कर रही है। इसी दौरान कैथा गांव के पास उन्हें जब एक कार खाली मिली तो उन्होंने आसपास सर्चिंग की तो उन्होंने जीजा साले को पानी में फंसे देखा जो एक पेड़ पर लटके हुए थे जिन्हें रस्सी की मदद से बाहर निकाला गया। और अब बात पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिले की करेंगे जहां बाढ़ की चपेट में आकर कई मकान ढह गए हैं। जान बचाने के लिए लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए मजबूर हैं। ये खौफजदा कर देने वाली तस्वीरें मेदिनीपुर जिले के देवड़ा ब्लॉक की हैं, जहां बांध का पानी ओवरफ्लो होने की वजह से कसाई नदी का पानी रिहायशी इलाकों में तेजी से घुस रहा है। लोडा सदर घाट में इतनी तेज रफ्तार से पानी भरा कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब की चपेट में आकर कई मकान ढह गए, किसानों की फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई। देखिए किस तरह से लोग अपने घरों को बचाने के लिए बालू की बोरियां लगाकर पानी को रोकने की नाकाम कोशिश करते नजर आए। बाढ़ की चपेट में आकर यहां कई मिट्टी के मकान ढह गए हैं।